चलो देखो, स्क्रीन आ रहा होगा आप लोगों के पास। आ रहा है ना स्क्रीन? हेलो, स्क्रीन आ रहा है ना सबके पास? हाँ सर, हाँ सर, चलो, अगर मैं बात हाँ करूं बैंक का, तो बैंक क्या है जल्दी से बताओ। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यस और नो? बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है जल्दी से बताओ। बैंक का एक मेन काम क्या है? बैंक के दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस, क्या क्या? हाँ, डिपॉजिट लेना और लोन देना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यस और नो? तो बैंक का जो मेन फंक्शन है वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बाकी लोग कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ, क्या बाकी लोगों को मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? शानिया को आवाज नहीं आ रहा है? हर्ष को आवाज नहीं आ रहा है क्या? हर्ष तो है ही नहीं, ठीक है, बाकी लोग आवाज नहीं आ रहा है क्या? तुझे हाँ मैं पूछ रहा हूं तो कुछ आइडिया नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे, या फिर बोलना नहीं चाहते हो? बैंक का दो मेन फंक्शन क्या है? एवरीवन वीडियो ऑन करो, चलो सब, ऑल ऑफ यू टर्न ऑन द वीडियो, एक्सेप्टिंग वीडियो ऑन करो सब। और रोज मेरे बिना बोले वीडियो ऑन होना चाहिए सबका, ध्यान रखना, बिना बोले मेरे वीडियो ऑन होना चाहिए सबका। वीडियो ऑन करो सब, चलो जल्दी। बैंक का दो मेन फंक्शन क्या अब आ रहा है, ठीक है? बैंक का मेन दो फंक्शन क्या है? एक डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और एक लोन देना, यस और नो? क्लियर? द टू मेन फंक्शंस ऑफ बैंक आर टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन, ओके? क्लियर? सर, ये जो दो मेन फंक्शन है इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक। कौन सा फंक्शन? प्राइमरी दीज टू फंक्शंस आर कॉल्ड प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, ओके? अच्छा, तुमको पता होगा बेसिकली दो तरह का बैंक है। जितना पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे सिलेबस में सब कुछ नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ना है तुम लोग को। पहला है सेंट्रल बैंक और दूसरा है कमर्शियल बैंक, यस और नो? सर, यस हम सर, लोग अपने अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाते हैं बेटा? करंट कमर्शियल, कमर्शियल बैंक। चलो मेरे को पांच एग्जांपल बोलो कमर्शियल बैंक का, बिना स्लाइड देखे। लो मैं चेंज कर देता हूँ स्लाइड। कमर्शियल बैंक का पांच एग्जांपल बोलो जल्दी जल्दी। एसबीआई, सीबीआई, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस, सही है? तो इसके बाद अलाहाबाद एक्सिस, बैंक बोलो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बोलो, बहुत सारे बैंक है, यस और नो? तो ये सब सारे मेरे कौन से बैंक हो गए? कमर्शियल बैंक। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि बैंक का प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्ट डिपॉजिट करना और गिविंग लोन है, तो ये मैं कौन से बैंक का बोल रहा हूँ, कमर्शियल कमर्शियल बैंक का या सेंट्रल बैंक का? कमर्शियल कमर्शियल। तो सर सेंट्रल बैंक क्या करता है बेसिकली? सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है, बोलो जल्दी से। पैसा बनाते हाँ, हैं, कमर्शियल बैंक को सपोर्ट करना, सपोर्ट कमर्शियल बैंक को क्या देना था आसिम? सपोर्ट पैसा सपोर्ट देना। अच्छा देना। अच्छा पति पत्नी है, सपोर्ट देंगे, ओके। और बुढ़ापे में अंधे की लाठी है वो, है ना, सपोर्ट करेगा, ठीक है, चलो चल जाएगा। और पैसा देगा। देगा, वेरी गुड, खर्चा करेगा ना, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पर खर्चा करेगा, बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड पे खर्चा कर रहा, वेरी गुड। और आयशा काम था, हो गया ईशा। और कोई जवाब? तासीम, सर, तासीम कल को बोलेगा सर जलजीरा देगा, देखिए सर जलजीरा देगा, बोलेगा। बोलने द करेक्ट आंसर इज तासीम, गलत नहीं बोला, बट तासीम का बोलने का टोन थोड़ा गलत था।
तासीम ये बोलना चाहता है सर कि अगर सेंट्रल बैंक के पास फंड, कमर्शियल बैंक के पास अगर फंड्स का कमी होगा तो कमर्शियल बैंक अप्रोच कर सकता है सेंट्रल बैंक को, यस और नो? हाँ इसके अलावा कमर्शियल बैंक को ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, ये तो पता होगा तुम लोग को। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्ट किए और वो अगर रूल्स रेगुलेशंस कमर्शियल बैंक फॉलो नहीं कर रहा है तो कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में पीनल एक्शन लिया जा सकता है। कमर्शियल बैंक इज बाउंड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर एंड मेन फंक्शन जो हम लोग सब अभी तक भूल रहे हैं वो है सेंट्रल बैंक का बेटा मेन काम है नोट्स इशू करना, यस और नो? करेंसी नोट्स इशू करना, नोट्स छापने का जो पावर है बेटा वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मेरे मन में एक सवाल है अभी उदय, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर बेटा सेंट्रल बैंक के पास इतना पावर है कि वो नोट छाप सकता है तो क्यों ना सेंट्रल बैंक एक रात में अपना आदमी बढ़ा ले और इतने सारे नोट छाप दे और सारे गरीबों में बांट दे कि भारत की गरीबी दूर हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता अभी उदय? सर कुछ रिजर्व होगा उसके ऊपर बेसिस करके छाप सकेगा एक अमाउंट तक। ओके, कुछ रिजर्व्स होगा, कुछ लिमिट होगा जिससे एक्सीड हम लोग सप्लाई ऑफ मनी को नहीं बढ़ा सकते, यस और नो? तासीन क्या कर रहे हो इतना बड़ा मुंह खोल के? हाँ, तुम्हारे मुंह में तो एक साथ 50 गो मच्छर डूब जाएगा इतना बड़ा मुंह खोला है। हाँ, इतना खतरनाक मुंह खोला, इसका हम रिकॉर्डिंग देखेंगे वापस से। हाँ, और इस पॉइंट में तुम्हारा जो मुंह खुला है ना उसी को हम बार बार स्क्रीनशॉट लेके अपना स्टेटस लगाएंगे, ध्यान रखना। चलो ठीक है, आज का रिकॉर्डिंग हम बार बार देखेंगे। तुम लोग सब वीडियो में प्यारा प्यारा लग रहा है मेरे को ना, बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए। चलो, तो द करेक्ट रीजन इज गया। तासीन क्या हो सकता है अभी उदय? मनी सप्लाई बढ़ने से ना क्या होगा, देश में इन्फ्लेशन का माहौल आ जाएगा, है ना? ज्यादा नोट छपेगा तो परचेजिंग पावर सबका बढ़ जाएगा बेटा, परचेजिंग पावर बढ़ने से चीजों का दाम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों का जाएगा। कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए एक लिमिट से ज्यादा मनी सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने यस सर। सेंट्रल बैंक के दो मेन फंक्शन बोले, एक मैंने बोला सेंट्रल बैंक का कि नोट इशू करना और एक मैंने बोला कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट करना, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देश में जितने भी नोट होते हैं वो सारे के सारे नोट जो है वो सेंट्रल बैंक छापता है, लेकिन 1 रुपया का नोट सेंट्रल बैंक नहीं छापता। ओके, 1 रुपया का जो नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, 1 रुपया का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। ठीक है, बाकी सारे जो नोट्स है वो सारे कौन इशू करेगा बेटा? कमर्शियल सेंट्रल आरबीआई। बैंक इशू करेगा। देखो एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सेंट्रल बैंक का फंक्शंस का बात करूँ तुम लोग के सामने देखो, यहाँ पे सेंट्रल बैंक में क्या लिखा, बैंक ऑफ इश्यू लिखा है ना बेटा, सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ इश्यू मिला, सर सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ इश्यू है ना, इट इंजॉयज द मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू मिला है ना, करेंसी नोट्स एंड सर कॉइन्स आर इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक की लीगल टेंडर है इन इंडिया विद द एक्सेप्शन ऑफ, कौन सा रूपी नोट बोला? देखो, वन रूपी नोट विच आर कन्वेंशनली इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सारा नोट द एंटायर नोट इज इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सर ये सब चीज ध्यान रखना बेटा। ओके, अभी मैं बात बाकी अभी सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में बाद में आऊंगा, पहले कमर्शियल बैंक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जल्दी से एक अच्छा इंसान मेरे को ये बताओ कि तुम लोग का कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का फंक्शन सिलेबस में है क्या, जल्दी से बताओ। फंक्शन नहीं है सर, कमर्शियल बैंक का नहीं है, सेंट्रल बैंक का है। कमर्शियल बैंक का नहीं? अभी उधर श्योर हो? सर नहीं है तो नहीं पढ़ाऊंगा। ओके, एकदम कंफर्म बता दो मेरे को। नहीं, नहीं सर, नहीं है, सेंट्रल बैंक सेंट्रल का बैंक है। का है क्या? ठीक है, और क्रेडिट क्रिएशन तो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ाना ही है मेरे को। ओके चलो, अभी सुनना मेरा बात ध्यान से। अब आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा समझने वाला भी है। ठीक है, चलो अभी ध्यान से सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्योंकि मैंने सब कुछ यहाँ पे करके कवर करके रखा है, बट जो काम का है वही पढ़ाएंगे। देखो सुनो, पहले मैं बात करूं यहाँ पे दो टर्म बेटा। एक टर्म है, क्या लिखा मैंने, रिपोर्ट रेट, और एक टर्म क्या लिखा, रिवर्स रिवर्स। रिपोर्ट रेट। ये तुम लोग को पता है थोड़ा क्या, कुछ किसी को कुछ भी आइडिया नहीं इसके बारे सर, में, सर बोलो मेरे को थोड़ा बहुत पता है। अभी उधर। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब सेंट्रल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक को लोन देता है ना, ताकि वो लोग अपना फाइनेंशियल नीड्स पूरा कर सके, वो रेट ऑफ ओके इंटरेस्ट। और जब रिवर्स रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जब कमर्शियल बैंक अपना जो सरप्लस फंड्स होता है वो सेंट्रल बैंक के पास देते हैं, तो वेरी वो गुड लोग बेटा, रखने के लिए एक्सीलेंट भी आंसर, वेरी गुड। इंटरेस्ट देते हैं। ये कहाँ पे पढ़ा था तुमने? ओके सर बुक वेरी गुड। चलो देखो, एक चीज समझना मेरा बात, जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है बेटा, मान लो एक कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इस स्टेट बैंक को बेटा पैसे की जरूरत है, ठीक है, तो वो बेटा किसके पास जाएगा? अपने इंडिया में तो सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक ने बोला, हे आरबीआई प्लीज मेरी मनोकामना पूरी करो, मुझे आप 50 करोड़ रुपए दे दो। ये बात किसने बोली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बोला, यानी कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक को बोला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट हाँ सर? आरबीआई जो पैसा देगा ना किसको, कमर्शियल बैंक को, वो आरबीआई पैसा तो दे देगा, बट आरबीआई जो है वो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा बेटा। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन टू द कमर्शियल बैंक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का नाम है बेटा रेपो रेट। क्या नाम है? रेपो रेट। अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बोला, ए कमर्शियल बैंक मैं तुझे दूंगा, लेकिन तेरे से कितना परसेंट इंटरेस्ट लूंगा, 4%, तो ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट है। रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर गिविंग लोन टू द कमर्शियल बैंक। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर? हाँ सर, ओके सर, ये रेपो रेट तुम लोग ध्यान में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कुछ सवाल करूंगा। तहसीन अब अगर मुंह खुला तुम्हारा, तो तुम्हारा मुंह पूरा पानी में डुबो दूंगा, मैं बोल दे रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। जाओ पानी पी के आओ तुम, जल्दी पी के आओ। ओ बगल में रखता है क्या पानी, पूरा कोटा लेके बैठता है, बाथरूम भी बगल में रखता है क्या, है बाथरूम में क्लास कर रहा है, सब फैसिलिटी चाहिए ना तुमको। चलो रेपो रेट क्लियर हो गया। अभी उधर शानिया क्लियर हो गया? सर। ऑब्वियसली इतना अच्छा पढ़ाएंगे तो क्लियर तो होगा ही। तासीन से आज हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, कि खाली सोने में व्यस्त है। चलो आओ, अब रिवर्स रेपो रेट क्या हो, सुनना। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, अपना कमर्शियल बैंक जो है इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट ले रहा है बेटा। क्या बोला, वापस बोलो। कमर्शियल बैंक जो है बेटा वो इंटरेस्ट ले रहा है बेटा, ले रहा है। इस बार उल्टा खेलोगे, इसलिए इसका नाम रिवर्स है। रिवर्स में कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, कमर्शियल बैंक चार्जेस रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन चार्ज कर रहा है? कमर्शियल बैंक। किससे चार्ज कर रहा है जल्दी से बताओ, सेंट्रल बैंक से। अब आइडिया अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं अपने टीचर से एक सवाल करता, सर कमर्शियल बैंक का इतना औकात है, सीधा वर्ड यूज करता, सर क्या कमर्शियल बैंक इतना औकात है कि वो आरबीआई को पैसा देगा? क्योंकि अगर पैसा देगा नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेगा, समझ रहे ना? तो क्या सर कमर्शियल बैंक इतना औकात है कि वो आरबीआई से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है? इसका मतलब सर कमर्शियल बैंक ने पक्का आरबीआई को लोन दिया, तभी तो वो पैसा चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ रहे मेरा बात। हाँ द करेक्ट आंसर ही, सुनना, कमर्शियल बैंक कभी भी आरबीआई को लोन नहीं दे सकता है। कमर्शियल बैंक कभी भी आरबीआई को लोन नहीं दे सकता है। सर कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपना जो एक्स्ट्रा फंड्स है, अपना जो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट है, वो सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर देता है बेटा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा फंड्स किसके पास पार्क कर देता है, अपना एक्स्ट्रा सरप्लस मनी बेटा, सेंट्रल आरबीआई। बैंक।
आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर देता है, और वो जो एक्स्ट्रा फंड्स आरबीआई ने अपने पास रखे हैं सेंट्रल कमर्शियल बैंक के, उस फंड्स पे बेटा आरबीआई को एक सर्टेन परसेंटेज देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कमर्शियल बैंक को देना कमर्शियल पड़ेगा। बैंक। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई दे रहा है, ले नहीं रहा बेटा, दे रहा है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बेटा अपन क्या बोलेंगे? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलेंगे बेटा रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके? रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई देता है इंटरेस्ट, कमर्शियल बैंक चार्ज कर ले रहा है, नेशनल बैंक ले रहा है, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं ना आरबीआई की, मैं तो बैंक हर बैंक में डिस्प्यूट है, तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम ना, तो क्यों ऐसे बोलूंगा? इंडिया और पाकिस्तान का कमर्शियल बैंक है ना, इंडिया के तो बैंक है, बैंक्स आर देयर टू असिस्ट इच अदर। उसका पैसा, जैसे आप हमको पैसा देंगे, ठीक है, तो हम रिटेल पे करेंगे, आप कॉपी का क्योंकि पैसा हम देंगे। इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं देखो बाजार में 5% मिल रहा है, आप अगर 5.5% दे देंगे तो हमको दे देंगे, तो क्या प्रॉब्लम तो है? इसको अरे क्या आरबीआई को क्या इसलिए वो कहते क्या फायदा होता है बताऊंगा। शुभम का एक सवाल है, शुभम बोल रहे सर आरबीआई का क्या फायदा हुआ ऐसा करके, उसका जवाब मिलेगा ठीक है, कि आरबीआई का ऐसा क्या सर? फायदा हुआ, कि आरबीआई ने क्यों ऐसा किया, आरबीआई के उसको पैसे की कमी नहीं थी, तो इसका जवाब अपन को अभी थोड़ा देर में मिल जाएगा। क्लियर? हाँ सर। अच्छा मेरे को यहाँ पे एक वीडियो बंद दिखाई दे रहा है, तो काम करते हैं मैं शानिया को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। वेट, शानिया रिमूव कर रहा हूँ, इतना क्या शर्म आ रहा है क्या वीडियो ऑन करने में? सर जगह चेंज किया। ओ अच्छा, इसीलिए क्या? वीडियो हमेशा चालू रखो ठीक है, कि तुम लोगों का जो चेहरा है वो मेरे को दिखने से मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है समझ रहे ना? तुम लोग तो है ही इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल, तो वीडियो बंद करने का तो कोई सेंस ही नहीं है क्या अभी उधर? तासीन, ओ तासीन, हाँ सर, अभी उदय की कोई है क्या? पता सच्ची बताओ मेरे को। पता नहीं सर, मुझे नहीं बोलता। ठीक है चालू है, 1.5 आना है, तुम पता भी होगा तो भी बोलेगा ना। आओ अब सुनना बात ध्यान से, शुभम के सवाल का जवाब बाद में मिलेगा, मैं अब एक चीज समझाने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक टर्म आता है क्रेडिट, क्या बोला मैंने? क्रेडिट, एडिट ठीक है सुनना ध्यान से। मैं गया एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला सर सर आप मुझे 100 रुपया दीजिए ना, मुझे लोन दीजिए। क्या दीजिए? तो लोन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे को लोन दिया बेटा कितने रुपया का? 100 रुपया का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बैंक जो बाजार में लोगों को उधार देता है, क्या बोला बेटा? बैंक जो बाजार में लोगों को उधर उधार देता है उस उधार को बोलते हैं क्रेडिट, ओके। और क्रेडिट क्रिएट जब हो रहा है यानी उधार, किसी को 100 देता है बेटा, किसी को 80 देता है, किसी को 50 देता है ना, तो जो उधार क्रिएट हो रहा है बेटा, ये उधार क्रिएट कौन कर रहा है, मेरा सवाल है, उधार क्रिएट कौन करता है? या तो कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक, कौन क्रिएट कर रहा है उधार? कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल वेरी गुड, क्योंकि हम लोग तो कमर्शियल बैंक के पास ही जाते हैं लोन लेने, है ना? आरबीआई के पास जाएंगे तो जूता मार के भगा देगा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे बेटा? कमर्शियल बैंक के पास, कि सर लोन दे दीजिए ना बैंक थोड़ा। तो सर क्रेडिट क्रिएट करने का काम किसका है? कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल यस और नो? ठीक है, मैं तुम लोग के बात से सहमत हूं कि क्रेडिट इज क्रिएटेड बैंक। बाय द कमर्शियल बैंक, ओके। क्रेडिट का मतलब समझा? व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? द प्रोसेस ऑफ गिविंग लोन टू आम आदमी इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, ओके। हाँ सर, लेकिन अब इसको और गहराई में समझेंगे बेटा, क्या बोला मैंने? अब इसको और गहराई में समझेंगे और मैं समझाऊंगा, देखो क्या समझा रहा हूं, इधर देखो ध्यान से। मैंने बोला
मेरे पास बेटा कितना रुपया था? 100 100 रुपया। मैं ये रुपया लेके किसके पास गया, ध्यान से सुनना। मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और मैंने बेटा ये पैसा जमा करा दिया। कहाँ पे? एसबीआई। स्टेट और अज्यूम करना, अज्यूम करना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पैसा भी नहीं था शुरुआत में। तो बैंक अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना रुपया आ गया? सौ 100 रुपया आया पक्का। अच्छा, हाँ अब मेरा एक सौ सवाल है। मान लो तासीन को पैसा चाहिए और तासीन का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मान लो कोई जान पहचान है, तो तासीन बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लीज मुझे आप 100 रुपया दे दीजिए। तासीन ने क्या बोला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप मुझे कितना रुपया दे दीजिए? 100 रुपया। सौ क्या तासीन को सौ 100 रुपया मिलेगा क्या? द आंसर इज मिलेगा बेटा नो, नहीं मिलेगा। तुम बोलेगा सर क्यों? तो द रीजन इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 100 रुपया है, मेरे को पता है। वो चाहता है तो तासीन को दे सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक का गाइडलाइंस, आरबीआई का गाइडलाइंस, हर कमर्शियल बैंक को अपना कुछ डिपॉजिट्स का कुछ रिजर्व्स, कुछ फ्रैक्शन डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो लोन दे पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये गाइडलाइन सारे कमर्शियल बैंक को फॉलो करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, मान लेता हूँ कि वो जो डिपॉजिट्स का परसेंटेज या फ्रैक्शन है वो 10% है बेटा। कितना परसेंट है? टेन तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कितना पैसा रखना पड़ा अपने पास? अगर 100 तो है उसके पास, बट रुपये उसका 10% तो अपने पास रखना पड़ेगा। दस तो अगर स्टेट बैंक ऑफ हाँ इंडिया को 10 रुपया अपने पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ गया, तो इसका मतलब वो तासीन को बेटा कितना दे पाएगा यहाँ पे? नाइनटी श्योर हो? पक्का? हाँ तो सर यहाँ पे बेटा तासीन को मिल गया देखो कितना रुपया। अब नाइनटी पता है तासीन क्या करेगा? तासीन दौड़ा दौड़ा जाएगा और एक बैंक ऑफ इंडिया के एक बैंक में, जिसका क्या नाम है देखो मैंने क्या लिखा है, एचडीएफसी उस बैंक में वो 90 तासीन ने क्या कर दिया बेटा? जमा कर दिया। और ये अज्यूम किया मैंने कि एचडीएफसी के पास शुरुआत में कोई पैसा नहीं था। तो एचडीएफसी के पास टोटल कितने रुपए आ गए बेटे? 90 90। अब समझना मैं बोल रहा हूं, अभी उदय को फंड्स का रिक्वायरमेंट है। किसको फंड्स का रिक्वायरमेंट है? अभी उदय को फंड्स का रिक्वायरमेंट है। तो अभी उदय बेटा कहाँ जाएगा बोलो जल्दी से? गया कमर्शियल एचडीएफसी बैंक के पास, बोला सर सर प्लीज मुझे 90 रुपीज दे दीजिए। तुमको क्या लगता है अभी उदय को 90 मिलेगा क्या? नहीं नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एचडीएफसी को भी तो रिजर्व 10% रखना पड़ेगा अपने पास। तो रखेगा एचडीएफसी को कितना रखना पड़ा अपने पास बताओ? सर 81 90 रुपये नाइन्टी का 10% रखना पड़ेगा। हाँ, तो एच डी एफ सी के पास 90 अगर आया तो 90 का 10% होता है बेटा 9 रुपया। तो 90 में से 9 रुपया वो अपने पास रखेगा। और अभी उदय को बेटा कितना दे पाएगा? 81 बस मैं एक बार और प्रोसेस ले लेता हूँ लास्ट। अब मान लो अभी उदय ने वो क्या किया, वो 81 रुपीज ले जाके एक्सिस बैंक में जमा करा दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करा दिया और एक्सिस बैंक के पास कितने फंड आ गए बेटा? अज्यूम करेंगे कि एक्सिस के पास कुछ नहीं था तो 81 आया। और अब मान लो कि शानिया को वो 81 रुपीज चाहिए। हाँ, अब मान लो कि शानिया को वो 81 रुपीज चाहिए, ठीक है? तो शानिया कहाँ जाएगी बेटा? एक्सिस बैंक क्या एक्सिस बैंक 81 दे देगा शानिया को? नहीं नहीं। कितना रखेगा तुम बता पाएगा मेरे को? 10%। 10% तो अगर 81 का 10% यानी 8.1 रख लिया तो शानिया को बेटा कितना मिल जाएगा? 73.9 ये तो पक्का? चलो, अब एक 72.9 चीज चेक करता, मैं इसको और नहीं टान रहा हूं ज्यादा। इसका मतलब सुनो मेरा बात, ध्यान से देखना। इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो कितना रुपया से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे?
फिर उसके बाद नेक्स्ट हंड्रेड स्टेज में कितना गया? नाइनटी एट्टी फिर उसके बाद कितना गया बेटा? फिर वन सेवेंटी उसके बाद कितना गया? टू पॉइंट नाइन नाइन। यस और नो? तो इसका मतलब मेरा जो प्रोसेस है तो चलता ही जा रहा है ना, इस प्रोसेस का कोई अंत है क्या बेटा? ये जो प्रोसेस है बेटा इनफिनिट प्रोसेस है, यस और नो? तो अगर मैं चेक करना चाहूं कि ये प्रोसेस लास्ट में कितना बन जाएगा। ओ अच्छा, सब स्लाइड में आ जा रहा है क्या नीचे? चलो कोई नहीं, ठीक है मेरे से एक सेकंड ना, सीधा हो चलो जाएगा। मैं मिटा रहा हूं। हाँ चलो अगर मेरे को चेक करना है ये लास्ट में फंड्स बेटे कितने हो जाएंगे, हाँ तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना मैं दिखा रहा हूं। देखो स्टार्ट कहां से हुआ था बेटा? हंड्रेड फिर नाइनटी 90 सोचो, ये एटी उधारी वन क्रिएट हो रहा है ना, उधारी एटी क्रिएट हो रहा है इतना इतना, ये भी ये भी ये भी ये भी, और ये प्रोसेस बेटा चलता जाएगा। तो अगर तुमको लास्ट में जानना है कि टोटल कितना उधारी क्रिएट हुआ, तो ऐसे तो तुम कर नहीं पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर वापस 10% घटा के वापस लिखेगा, फिर वापस लिखेगा। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है बेटा कि ये अमाउंट लास्ट में कितना बन जाएगा टोटल। टोटल अभी तुमको दिख रहा होगा 190 प्लस 81 प्लस 272.9, 250-300 के आसपास हो गया। और कितना आगे जाके कब तक बन जाएगा, कितना बन जाएगा, उसके लिए क्या करना है सुनो। इसके लिए तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो है डिवाइडेड बाई बैंक ने अपने पास जो रिजर्व रखा है, क्या बोला? रिजर्व जो रखा रिजर्व। है इस बैंक रिजर्व को बेटा क्या में, बोलते हैं, सुन लो, इस रिजर्व का नाम है कैश रिजर्व रेशियो। इसको अपन सी बोलेंगे बेटा सीआरआर। क्या बोलेंगे? आर आर तो मेरा फर्स्ट टर्म कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा? हंड्रेड सर सीआरआर कितना था मेरे एग्जांपल में? 10%। तो लास्ट में ये प्रोसेस का अमाउंट कितना बन जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 10% है बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 10% है, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 बाय 100 कितना आ रहा है? 1000 सोचो बैंक वाले ने टोटल कितना उधारी क्रिएट कर दिया इस प्रोसेस में। आर1000 यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रोसेस है पूरा क्रेडिट क्रिएशन का। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अभी सुनना, मेरा लिंक में 2 मिनट बाकी है, तब मैं नया लिंक जनरेट करूंगा। बट मेरा लिंक जनरेट करने से पहले मैं तुम्हारे पास 3 सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ताकि जब लिंक वापस भेजूं तो इन 3ों सवाल का जवाब हो तुम्हारे पास। ओके, सवाल ध्यान से सुनना। सवाल है, सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो कमर्शियल बैंक है ये बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर रहा है। सेंट्रल बैंक को ऐसा फील हो रहा है कि बाजार में क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा कैश रिजर्व रेशियो को? आंसर अभी मत देना, लिंक के बाद देना। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करेगा या कैश रिजर्व रेशियो को डिक्रीज करेगा? उस परसेंटेज को जो 10% था उसको 5% करेगा या 20% करेगा? अगर मेरे को यानी सेंट्रल बैंक को क्रेडिट कम करना है। क्वेश्चन क्लियर आप लोगों के पास? क्वेश्चन क्लियर है? तो हाँ और सर, दूसरा क्वेश्चन मैं ये छोड़ के जा रहा हूं, देखो सेंट्रल बैंक को अभी भी लग रहा है कि क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है बेटा, सेंट्रल बैंक को अभी भी लग रहा है कि क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक चाहे तो रेपो रेट भी यूज कर सकता है और चाहे तो रिवर्स रेपो रेट भी यूज कर सकता है। ओके, मेरा सवाल है, अगर क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है और क्रेडिट को कम करना है, तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें? इन दोनों को, क्रेडिट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो इन सारों को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है? क्वेश्चन क्लियर है सबके पास? आई होप जब नया लिंक भेजूंगा तुम तीनों का आंसर सही होगा। ओके, आपस में नो डिस्कशन, अपना अपना आंसर, नया लिंक भेज रहा हूं।